नमस्कार, आज हम आपके लिए बनाने वाले टमाटर चटनी। सो वेरी सिंपल आइटम, आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, लाइक रोटी, डोसा, इडली, चावल, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए हम बनाना शुरू कर लेते। सबसे पहले कुकिंग ऑयल। दोस्तों हम इसमें डाल देंगे साबुत मिर्च, अदरक लहसुन, साथ में हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर। हमने यहाँ पर आधा किलो टमाटर लिया हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े में काट के इसमें डाल देंगे। टमाटर को पकने के लिए हम 10-15 मिनट इसको बंद करके रख देंगे। हाँ दोस्तों, देखो अभी अपना टमाटर पक चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, हमने इसके अंदर 5-6 पीसेस ऑफ गार्लिक एंड 5 पीसेस ऑफ रेड चिल्ली एंड स्मॉल पीसेस ऑफ जिंजर पहले डाल के हमने इसको पकाया। अभी इसको हम ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस के इसका ग्रेवी बनाएंगे। ओके दोस्तों, टमाटर प्यूरी एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसको तड़का लगा के इसको फाइनल टचअप दे देंगे। तड़का लगाने के लिए हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे, इसमें आधा टेबलस्पून सरसों के दाना, कड़ी पत्ते, चाहे तो उसमें आप दो और साबुत मिर्च डाल सकते हैं। दोस्तों अब हम डालेंगे टमाटर डाल देंगे। जब तक पकने तक इसको आराम आराम से हिलाते रहना, और साथ में स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको उतारेंगे। दोस्तों टमाटो चटनी एकदम रेडी हो चुका है, एकदम चटपटा लग रहा है। अभी मैं इसको टेस्ट करके देख लूंगा, आप भी अपने घर पे ट्राई कर लीजिए और इसका खाने की मजा ले लीजिए। ओके।